नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स, हंड्रेड्स ऑफ प्रोडक्ट एट ए टाइम इंपोर्ट करने हैं इन वन शॉट, तो आप किस तरीके से करोगे यूजिंग CSV इन PrestaShop। तो वो करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, डैशबोर्ड एडमिन पैनल ओपन करना है। उसके बाद में आपको जाना है कैटलॉग में। कैटलॉग में जाने के बाद आप देखोगे कि प्रोडक्ट और कैटेगरी है, तो पहले आपको कैटेगरी सेट करना होगा और उसके बाद में आपको प्रोडक्ट सेट करना है। तो मैं अभी दो स्टेप्स हैं, तो पहले हम कैटेगरी को देखते हैं कि किस तरीके से हम सेट कर सकते हैं, एंड देन वी विल सी हाउ टू अपलोड प्रोडक्ट्स। ओके, अभी ये इस पूरी प्रोसेस में क्या तीन मेन फैक्टर्स हैं। फर्स्ट इज द कैटेगरी, देन इज द प्रोडक्ट, एंड देन इज द इमेजेस। ओके, तो फॉर एग्जांपल आपके पास अभी 100 प्रोडक्ट्स है और 10 कैटेगरीज है, तो 10 कैटेगरीज जो भी होंगी वो आपको यहाँ पर पहले कैटेगरीज में इम्पोर्ट करनी है। उसके बाद में जो भी आपके प्रोडक्ट है, 100 प्रोडक्ट है, उनके साथ कुछ इमेजेस भी होंगी, तो वो जो इमेजेस है वो आपको सर्वर के ऊपर, सी पैनल के ऊपर, या फिर आप जिधर भी आपने होस्टिंग किया है वहाँ पर जाके आपको एक फोल्डर के अंदर अपलोड करके रखनी है, जो कि डायरेक्ट लिंक से एक्सेसिबल होगी। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल मैंने अगर abc.com/images/ आपकी जो भी फाइल का नाम होगा वो अगर मैं डालता हूँ तो वो इमेज वहाँ पर एक्सेसिबल होनी चाहिए। तो वो करने के बाद में आपका इम्पोर्ट का प्रोसीजर एक लेवल पर कम्प्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद में पूरा का पूरा डेटा तो आ जाएगा, देन you have an opportunity to either go and add more images or you can keep it as it is or do whatever things you want to do with that particular data. Lekin at a single shot you will be able to add hundreds and thousands of product on your PrestaShop website. To sabse pehle agar category ki baat karta hu main, to category mein jana hai aapko. Uske baad mein aapko jana hai yahan par gear ka symbol rahega settings ka, usme jaake aapko import pe click karna hai. अभी यहाँ पर ये जो है ये एक इंपोर्ट का मॉड्यूल है PrestaShop में। ठीक है, एडवांस पैरामीटर इंपोर्ट, मतलब आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हो वो चीज़ को, या फिर आप वो पर्टिकुलर कैटेगरी में जाके भी ओपन कर सकते हो। दोनों जगह पे क्लिक करने के बाद एक ही मॉड्यूल पे आप आने वाले हो। फिर उसके बाद में अभी यहाँ पर व्हाट यू वांट टू इम्पोर्ट, तो मैंने अभी कैटेगरी के सेक्शन से आया हूँ, इसकी वजह से ऑटोमेटिकली यहाँ पर कैटेगरी सिलेक्टेड है। अदरवाइज ये आपको सिलेक्ट करना होगा कि आपको क्या चीज़ इम्पोर्ट करना है। तो फर्स्ट थिंग इज़ द कैटेगरी, फिर उसके बाद में आपको यहाँ से एक सैम्पल फाइल डाउनलोड करना होगा। तो मैं अभी यहाँ पर एक बार क्लिक करता हूँ सैम्पल फाइल डाउनलोड एंड ओपन करता हूँ इसको मैं CSV में। ठीक है, तो ये इस तरीके का वो एक फाइल है। ठीक है, अभी इसमें कुछ डेटा पहले से ही बाय डिफ़ॉल्ट डाला हुआ है। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, ये सिंपल डायरेक्टली यही फाइल को मैं अपलोड करने वाला हूँ। ठीक है, एंड देन वी विल सी व्हाट एग्जैक्टली हैपनिंग। सो ये करने के लिए आपको क्या करना है, ब्राउज, और ब्राउज करने के बाद अभी मैंने दो बार डाउनलोड किया था, सेम फाइल है ये भी। ठीक है, तो चलो यही फाइल ले लेता हूँ। ठीक है, ओपन, एंड फिर उसके बाद में ये सब जो कॉन्फ़िगरेशंस है ये देखिए फाइल अपलोड हो चुकी है और अभी नेक्स्ट स्टेप पे हमको जाना है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू, अभी कैटेगरी में अपलोड कर रहा हूँ तो इसकी वजह से ये कुछ ज़्यादा ऑप्शन आपको वर्कआउट नहीं करना है, यहाँ पर कुछ छेड़खानी नहीं करना है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द केसेस फील्ड सेपरेटर जो होता है वो यही होता है, सेमी कॉलन होता है, और सेपरेटेड बाय वैल्यू, मतलब जो भी इंटरनल वैल्यूज होंगी उसकी, उसके लिए कॉमा सेपरेटेड होता है। तो ये अगर मोस्ट ऑफ द केसेस में तो चेंज होता नहीं है, लेकिन अगर कुछ आपकी CSV में चेंजेस है तो वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम इन दैट। फिर उसके बाद में आप लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हो, बिकॉज मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि मल्टीपल लैंग्वेजेस के लिए भी आप प्रोडक्ट अपलोड कर सकते हो। सो फॉर दैट पर्टिकुलर सेंस यू कैन सिलेक्ट कि कौन से लैंग्वेज के लिए मुझे ये पर्टिकुलर कैटेगरी अपलोड करना है, या फिर जो भी डेटा अपलोड होना है वो कौन सी लैंग्वेज के लिए होना है। फिर उसके बाद में यहाँ पर डिलीट ऑल कैटेगरी बिफोर इंपोर्ट, मतलब ऐसा अगर सिचुएशन है आपके पास कि मुझे जो पहला डेटा है वो सारा का सारा रिमूव करना है, एंड देन आई हैव टू पुट अ न्यू कम्प्लीटली फ्रेश इन्फॉर्मेशन ऑन द वेबसाइट, देन यू कैन सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर ऑप्शन टू येस। अदरवाइज आपको कुछ भी येस करने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद में स्किप जनरेशन, थंबनेल जनरेशन, अभी थंबनेल जनरेशन मतलब मैंने जो जैसे बोला था कि प्रोडक्ट के टाइम पे आपको जो इमेज है, इमेज की जो URL है वो आपको वहाँ पर सबमिट करनी है, और वो सबमिट करने के बाद में PrestaShop क्या करता है, ऑटोमेटिकली उस बड़ी इमेज का छोटा छोटा वर्जन बनाते जाता है। ठीक है, और ये पर्टिकुलर जो सेटिंग है जिसे बोलते हैं इमेज सेटिंग, इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। तो यहाँ पर आप जाके चेक कर सकते हो कि कौन कौन से साइजेस में और कौन कौन से डायमेंशन में इमेजेस जनरेट होती है जब आप एक बड़ी इमेज अपलोड करते हो PrestaShop में। फिर उसके बाद में फोर्स ऑल ID नंबर्स, दैट व्हाट एग्जैक्टली मीन, कि अगर आपने जो भी CSV में जो भी IDs दिए हुए हैं, जैसे मैं अगर यहाँ पर देखूँ तो ये ID नंबर है, तो इसको मुझे बाय डिफ़ॉल्ट जो भी एक स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से मुझे ऑटोमेटिकली जनरेट करनी है, तो वो ऑप्शन आप येस कर सकते हो। ठीक है,
बट इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल पहले से ही वो आई डी मैंने डाल के रखी है विच आई डोंट वॉन्ट टू रीजनरेट और फोर्स रीजनरेट, तो फिर आई विल कीप इट एज नो. एंड ई मेल नोटिफिकेशन अपलोड होने के बाद में अगर बहुत बड़ा फाइल है तो डेफिनेटली विल टेक सम टाइम एंड आफ्टरवर्ड्स विल गिव यू एन ई मेल कि बॉस काम आपका हो गया है. देन विल जम्प टू द नेक्स्ट स्टेप. यहाँ पर आने के बाद आपको दिखाएगा कि कौन सा डेटा कौन से एट्रीब्यूट को या फिर कौन से कॉलम को मैच कर रहा है. सो यहाँ पर अभी आप देख सकते हो कि मैंने जैसे कि जो फाइल मैंने सैंपल के लिए डाउनलोड की थी वही अपलोड कर रहा हूँ, तो इसकी वजह से यहाँ पर मुझे कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन अगर आपके पास एक कोई डिफरेंट थोड़ा डिफरेंट फॉर्मेट है सीएसवी का, तो यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी है उस पर्टिकुलर फील्ड को मैप करने की. तो अगर आपके केस में कैटेगरी नेम करके यहाँ पर लिखा हुआ है, सो यू कैन सिलेक्ट कि ये पर्टिकुलर नेम ऑफ कैटेगरी है, ठीक है, कैटेगरी का नाम है ये. फिर उसके बाद में अपने पेरेंट कैटेगरी के लिए अलग कुछ लिखा हुआ है, देन यू कैन हैव एन अपॉर्चुनिटी टू मैप दिस पर्टिकुलर यू नो कॉलम नेम्स विद द सीएसवी के कॉलम नेम के साथ. अभी एट दिस पर्टिकुलर प्रेजेंट टाइम एवरीथिंग लुक्स ओके, आई डोंट वांट टू चेंज एनीथिंग ओवर हियर. सो मैं अभी इंपोर्ट करता हूँ. इंपोर्ट करने के बाद में आप देख सकते हो ये प्रोग्रेस बार हो गया एंड एवरीथिंग इज परफेक्टली इंपोर्टेड. एंड लेट्स क्लोज दिस पर्टिकुलर थिंग. और अभी मैं कैटेगरी में जाके देखता हूँ कि क्या मेरा डेटा वहाँ पर आ चुका है या नहीं है. सो एज यू कैन सी ऑल द रिकॉर्ड्स आर देयर एंड एवरीथिंग लुक्स ओके. अभी इसी तरीके से आपको क्या करना है, प्रोडक्ट्स में जाना है और यहाँ पर आके इम्पोर्ट में जाना है, ठीक है. और इम्पोर्ट में आप जैसे ही आओगे, वैसे यहाँ पर आने के बाद सेम प्रोसीजर है, सैम्पल फाइल को डाउनलोड करो, फिर उसके बाद में उसमें आपके जो भी प्रोडक्ट्स हैं उन प्रोडक्ट को अपडेट करो, उनका जो डेटा है वो अपडेट करो, एंड देन यू कैन सिलेक्ट दैट पर्टिकुलर फाइल एंड डू दिस प्रोसेस एंटायरली सिमिलर जैसे कैटेगरी के लिए किया था उसी तरीके का. द ओनली लिटिल डिफरेंस इज कि जो भी इमेजेस है आपकी, वो सारी इमेजेस जो है वो आपको सी पैनल में या फिर जो भी आपका होस्टिंग अकाउंट है जहाँ पर भी आपकी वेबसाइट होस्टेड है वहाँ पर आपको जाके पहले अपलोड करनी है. देन ओनली दोज पर्टिकुलर इमेजेस कैन बी इम्पोर्टेड इन टू योर प्रेस्टाशॉप यू नो कैटलॉग, और फिर आगे वो रेंडर हो सकती है. सो अभी क्या है, अभी मैं पहले वो इम्पोर्ट जो भी फाइल है वो ओपन करता हूँ एंड देन ओनली यू कैन सी एग्जैक्टली वॉट कंटेंट्स आर देयर. सो अभी आप जैसे देख सकते हो कि यहाँ पर प्रोडक्ट आई डी एंड रेस्ट ऑफ ऑल द जो भी एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है ना, बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं प्रोडक्ट के सी एस पी फाइल में. तो आपके ऊपर आपको जो एट्रीब्यूट फिलअप करना है वो फिलअप करो एंड मेक श्योर ऑल द डेटा इज प्रॉपरली ऑर्गेनाइज इन दिस पर्टिकुलर सी एस पी. बिकॉज ये आप एक बार जस्ट अपलोड करोगे तो एट अ मोमेंट यू आर अपलोडिंग हंड्रेड्स ऑफ प्रोडक्ट. सो अगर उसमें कुछ गड़बड़ हुआ देन अगेन इट विल क्रिएट अ बिग प्रॉब्लम टू फेस दैट पर्टिकुलर थिंग. सो मेक श्योर कि ये आपकी सी एस पी प्रॉपर हो, इसमें ज़्यादा कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स या फिर कुछ यू नो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स वगैरह कुछ ना हो. अदरवाइज यू हैव टू गो अगेन टू दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट फ्रॉम कैटलॉग एंड यू हैव टू एडिट ऑल दोज इंडिविजुअली. ओके, सो दिस इज वॉट द सी एस पी. एंड ये मैंने जो आपको बताया था ये इमेज है, ठीक है. तो यहाँ पर जो आप जैसे देख सकते हो कि मल्टीपल इमेजेस भी आप अपडेट कर सकते हो. यू डू नॉट नीड टू जस्ट प्रोवाइड सिंगल इमेज, क्योंकि कोई प्रोडक्ट में क्या होता है कि पहला एक इमेज होता है, फिर उसके बाद में कवर इमेज के बाद में और भी दो तीन इमेजेस होते हैं. सो लिटरली यू कैन सिलेक्ट मल्टीपल इमेजेस बाय यूजिंग कॉमा. ओके, सो अभी के करंट पोजीशन पे व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई विल जस्ट अपडेट ओवर हियर सम डमी प्लेस होल्डर इमेज एंड देन आई विल शो यू हाउ दिस एग्जैक्टली वर्क. सो वो करने के लिए मैं क्या करूँगा, पहले प्लेस होल्डर IMG एंड placeholder.com से यू कैन लिटरली टेक एनी टाइप ऑफ प्लेस होल्डर इमेजेस. ओके, सो इन दिस पर्टिकुलर केस व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई जस्ट यूज दिस पर्टिकुलर थिंग एंड पेस्ट, सॉरी कॉपी नहीं हो रहा है. ओके, नो प्रॉब्लम, यू कैन राइट दिस पर्टिकुलर डाउन वाया placeholder.com/ लेट से मुझे 1000 pixel का इमेज चाहिए स्क्वायर, दिस इज माई इमेज. ओके, सो वॉट आई एम गोइंग टू डू राइट नाउ, इस पर्टिकुलर इमेज को मैं कॉपी कर रहा हूँ एंड आई एम अपडेटिंग दिस पर्टिकुलर इमेज ओवर हियर. सो यहाँ पर आके आई विल जस्ट डबल क्लिक एंड सिलेक्ट ऑल, रिमूव, पेस्ट एंड देन फिर उसके बाद में और एक कॉमा डाल के अभी मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली आई एम जस्ट using this entire similar set of images for all the product. Okay, और मैं इसको save कर रहा हूँ and then I'm going to re-upload this entire file and save करते समय
I need to be very careful that it is saving this particular file in CSV because I'm using numbers. So it's going to say I need to export this particular file in CSV. So next, and yeah, I need to put it in downloads, export. Yeah, I want to replace this and done. Now let's go back to import. And yahan par aake abhi main kya kar raha hu? Okay, why this thing is there? I need to refresh this. Yeah, I need to select product first of all, and fir uske baad main isko main hata deta hu. Yahan par main select karta hu wo file jo file mujhe upload karni hai, product import CSV. Okay, open, and product import wali file upload ho chuki hai, and everything is looking okay. हमें यहाँ पर कुछ भी चेंजेस नहीं करना है. जस्ट वॉन्ट टू मूव दिस एंटायर प्रोडक्ट इन टू द डेटा बेस विदाउट चेंजिंग एनीथिंग. सो नेक्स्ट स्टेप, ओके, दिस लुक्स कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड. ओके ओके, ऑल राइट, आई नीड टू डू दिस प्रोसेस वंस अगेन बिकॉज यहाँ पर अभी क्या प्रॉब्लम हुआ is creating a whole lot of problem. So include table in the GM. Next. Okay, I'll do one thing. Main isko office mein open karta hoon and then let's see what happens. So don't save, delete. Okay, so maine abhi Excel mein open karke isko edit kiya hai and possibly this particular file has been properly saved. Now let's try and upload this particular file and see what we get. And select that particular file which we have just edited. And wo file hai hamari, this one, XLS. Let's see what happens. Okay, looking okay. Continue. Fantastic. CSV mein save agar kiya to fir wo particular column properly nahi aa raha tha. Because of that, we have saved that particular file in XLS format. Okay, so by saving that particular file, as you can see, कि सारा सारा data जो भी है, हमने set किया था, वो properly आ तो गया है यहाँ तक, ठीक है? But let's see, does this particular thing uploads properly? Because that is where things get changed. So images में भी properly आ चुका है. Now let's go to the import and see what does it happen. So what it is saying. That ID number cannot be saved. Okay. Now that ID, ignore this column. Let's say, oh, this is discount percentage. Can you just ignore this column? Ignore. And the date also. Where it is. Oh, okay. Image alt text, that is okay. Product creation date, we just need to make it as ignored. Availability date is also not needed right now. And let's go to the import. Fantastic. So ye jo problem aa raha tha, ye date ki wajah se problem aa raha tha. So I hope that this particular process is properly completed. Importing data, I think, so it is now working on the images, so that is why it is taking some time. Fantastic. Linking accessories, jo bhi apne add kiya hoga wo. Let's go to the catalog and see what does it gives us. Lovely. That's it. So yahan par categories bhi proper aa gayi hai, date apna reference number bhi aa gaya hai, image bhi aa gayi hai. Abhi humne do images dali thi. And this entire process is perfect. तो अभी आपको क्या करना है कि अगर डेट का प्रॉब्लम आ रहा है, यू जस्ट इग्नोर दैट पर्टिकुलर थिंग. ओके, और डेट जो है वैसे भी ऑटो जनरेटेड होता है, सो यू कैन लिटरली सेट दैट पर्टिकुलर थिंग टू इग्नोर एंड देन यू कैन डेफिनेटली गेट दिस पर्टिकुलर आउटपुट. अगर आपको ये आउटपुट नहीं आ रहा है आपके पर्टिकुलर प्रोसेस में तो मुझे कमेंट में ज़रूर पूछिए. और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को ज़रूर दबाइए. थैंक यू.